चलिए चलते आपको आजमगढ़ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी आजमगढ़ में इस एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया था। अनुमान करिए कि पिछले 2-2.5 वर्ष के दौरान पूरी तस्वीर आपको बदलती हुई दिखाई दे रही होगी। ये आपके विकास की जो अपेक्षाएं थी उन अपेक्षाओं पर पंख लगा करके विकास के साथ आप सबको जोड़ने का एक प्रयास है प्रदेश सरकार के द्वारा, और इस दिशा से आज मैं स्वयं भी इस एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के कार्यक्रम के साथ गाजीपुर से ही चला हूं। गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ होते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि विकास ही वास्तव में हम सबके जीवन में परिवर्तन लाएगी, और आजमगढ़ अनुमान करिए आज से 3-4 वर्ष पहले तक आजमगढ़ के नाम से लोग कांपते थे, आजमगढ़ के नाम पर लोग किराए पे मकान नहीं देते थे। यहां का युवा अगर कहीं जाता था और आजमगढ़ नाम बता देता था तो लोग उसको पिंड छुड़ाते थे, लेकिन अब आजमगढ़ विकास की एक नई आशा की किरण के साथ आगे बढ़ रहा है, और आशा की एक किरण एक्सप्रेसवे यहां के औद्योगिक विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। साथ ही साथ हम आजमगढ़ में विश्वविद्यालय भी दे रहे हैं। विश्वविद्यालय के लिए जमीन की समस्या आ रही है, ये आजमगढ़ वासियों को सोचना चाहिए। अब तक नहीं तो विश्वविद्यालय का कार्य भी प्रारंभ हो गया होता। आजमगढ़, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, अंबेडकर होते हुए लुम्बनी तक का जो एक हाईवे बन रहा है ये भी आजमगढ़ होते हुए जा रहा है। अनेक बड़े बड़े हाईवे केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा आजमगढ़ के साथ आजमगढ़ को ध्यान में रखकर के बनाए जा रहे हैं। ये इसलिए जिससे विकास की योजनाओं के माध्यम से हम यहां की अपेक्षाओं और जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सफल हो सकेंगे। मेरा आप सबसे यह अपील होगा, विकास हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और हम सब सकारात्मक सहयोग इसके साथ करें। यह सकारात्मक सहयोग ही न केवल आपके लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए भी बहुत निर्णायक सिद्ध होगा। हमारा प्रयास है कि 31 मार्च तक मुख्य एक्सप्रेसवे हम लोग बना करके तैयार करें, और एक्सप्रेसवे को बनाने के साथ फिर यहां पर हर जनपद में औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित किया जाए। तो विकास को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा तत्पर रहते हैं। आजमगढ़ से संबोधित कर रहे थे जहां उन्होंने तमाम तरीके की बातें